स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वीडियो नंबर 10। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्कशन किया था और अगले एक लेक्चर में मेथड ऑफ एलिमिनेशंस एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का भी डिस्कशन किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम तीन टाइप से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तीन मेथड से, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मेथड ऑफ एलिमिनेशंस एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। और ये तीनों के तीनों हम सबको अब पता है कि कैसे फाइंड करेंगे। हमको ये भी पता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशंस है उसका जनरल फॉर्म क्या है। वो जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। और हम कोई भी मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अब तीनों के तीनों कब होते हैं वो भी डिस्कशन कर किए थे। लेट अस सी कि कब होते हैं। सो सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमको पता है कि नो सॉल्यूशंस कब होगा, दैट इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमको मिल सकते हैं जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, एंड यूनिक सॉल्यूशंस भी हमको मिलेगा जब a1/a2 = b1/b2 होगा। अब इस लेक्चर में हम जो एग्जांपल करने वाले वो स्पेशल टाइप के हैं। स्पेशल टाइप के मतलब क्या होता होगा कि आपको जब अब तक क्या होता था कि लीनियर इक्वेशंस दे दिए जाते थे, दैट मींस कोई एग्जांपल में ऐसा फॉर एग्जांपल होता था कि 2x + 3y = 4 एंड 4x + 6y = 7। इस तरह के आपको एग्जांपल दिए गए होते और डायरेक्टली आप कोई भी मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको जो है वो लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट करना, जो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो एग्जांपल दिया गया है वो। सो लेट अस स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 1। हमारा एग्जांपल नंबर 1 ये है 2x + 3y = 13 एंड 5x - 4y = -2। अब देखिए डिनोमिनेटर में x एंड डिनोमिनेटर में y दिया है। अब आपको क्या करना है, जब आपको यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y दे दिए गए होते तब आपको क्या करना है कि 1/this = a एंड 1/this = b। यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ x अकेला नहीं होगा, कुछ एग्जांपल में ऐसा भी दिया होगा कि 2/x - y + 3/x + y। सो मैं इसलिए आपको फिर से स्पेसिफाई करता हूँ कि 1/this, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जो दिया गया है, प्लस 1/this यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया गया, उसके हिसाब, उसके लिए आपको कुछ गेस करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल नया लेना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे 1/x and 1/y, यहाँ पे तो x एंड y ही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1/x and 1/y के लिए वेरिएबल्स में गेस करता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो हम सबको यही करना है हर एक एग्जांपल में, 1/x = a एंड 1/y = b इन बोथ इक्वेशन। अब मैं बोथ इक्वेशन में 1/x = n 1/y लिखूंगा, = b लिखूंगा, तो मुझे नए दो इक्वेशन मिलेंगे। दैट मीन्स पहला मुझे मिला 2a + 3b = 13 एंड दूसरा मिला 5a - 4b = -2। ठीक है, ये अब हमारा ये नए दो लीनियर इक्वेशंस है 1 एंड 2। तो मैंने क्या किया, 1/x की जगह a रखा एंड 1/y की जगह b रखा, तो मुझे मिला 2a + 3b = 13 एंड 5a - 4b = -2। अब ये जो दो इक्वेशंस है आप तीनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी ले सकते हो एंड सब्स्टिट्यूशंस मेथड भी ले सकते हो। सो पहले मैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स के हिसाब से ये एग्जांपल करूंगा। सो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट 2a = मैं ये लिख सकता हूँ 13 - 3b। सो a = क्या मिला मुझे, 13 - 3b / 2।
ये मुझे ए मिला, ठीक है। अब क्या करना है सब्स्टिट्यूशंस मेथड में, ए की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर टू में रखनी है, सो पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू। सो मैंने वैल्यू रखी, हमारा जो ए इक्वेशन था वो था 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस टू, सो 5a की जगह मैंने रखा 13 माइनस 3b डिवाइड बाय 2 माइनस 4b इक्वल टू माइनस टू। अब 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम लिया, क्या किया 5 इंटू 13 माइनस 3b माइनस 2 इंटू 4b और 2 इस तरफ ले गया। सो सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया 5 इंटू 13 दैट इज 65, 35 जा 15b माइनस 24 माइनस 8b माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, सो 65 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 23b इक्वल टू माइनस 4। 65 मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, सो मुझे मिला 23b इक्वल टू माइनस 4 माइनस 65, सो माइनस 23b इक्वल टू माइनस 69 हुआ, सो b इक्वल टू माइनस 69 डिवाइड बाय माइनस 23, सो b इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, दैट इज 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, सो पुट b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 था 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, सो 2a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 3 जा 9, सो 2a प्लस 9 इक्वल टू 13, सो 2a इक्वल टू 13 माइनस 9 हुआ, सो 2a इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू 4 बाय 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमको a एंड b दोनों की वैल्यू मिल गई है, a इक्वल टू 2 मिला और b इक्वल टू 3 मिला। अब क्या करना है कि मुझे तो x एंड y फाइंड करना है, तो a और b की वैल्यू जो हमने गैस किया था इसमें रखनी है। सो वी नो a इक्वल टू 1 अपन x एंड b इक्वल टू 1 अपन y, सो a क्या है, a है 2 इक्वल टू 1 अपन x एंड 3 इक्वल टू 1 अपन y, सो x इक्वल टू 1 बाय 2 एंड y इक्वल टू 1 बाय 3। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो। आपको खास ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको a एंड b की वैल्यू मिल जाए तो ये फिर से वापस हमने जो गैस किया है a इक्वल टू 1 अपन x एंड b इक्वल टू 1 अपन y इसमें रखनी है, तभी आपको आंसर मिलेगा। फिर से दूसरी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपको डिनोमिनेटर में पहले दिया गया उसके बराबर a और दूसरे डिनोमिनेटर में जो दिया गया उसके बराबर b लेके ही एग्जाम्पल करना है। तीनों के तीनों मेथड से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 10 अपन x प्लस y प्लस 2 अपन x माइनस y इक्वल टू 4 एंड अनदर वन इज 15 अपन x प्लस y माइनस 5 अपन x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। फिर जैसे कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसके बराबर a लेना है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके बराबर b लेना है। दैट इज देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। सो लेट 1 अपन x प्लस y इक्वल टू a एंड 1 अपन x माइनस y इक्वल टू b इन बोथ इक्वेशन। हमने लिया है 1 अपन x प्लस y इक्वल टू a एंड 1 अपन x माइनस y। सो क्या मिलेगा, सो फर्स्ट जो इक्वेशन है मुझे मिलेगा 10 अपन x प्लस y दैट इज 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। दूसरा मिला 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2। तो हमारी ये दो नए इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इक्वेशन जो 1 है इसमें देखिए 10 है, 2 है और 4 है, तीनों के तीनों इवन नंबर है, सो 2 से डिवाइड होगा। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकता हूं, 5a प्लस बी इक्वल टू 2, इसको मैं नंबर 3 देता हूं। और दूसरा इक्वेशन में एज इट इज लिख दे, 5a माइनस 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस ये नंबर, ठीक है। सो हमारा अब दो इक्वेशंस मिल गए, 5a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2। फिर से बता देता हूँ आप ये तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था
इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशंस मेथड लिया था। अब मैं जो लेने जा रहा हूँ वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट स्टेप है कि आपको कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को दोनों सेम बनाने हैं। दैट मींस यहाँ पे देखिए 5a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2। सो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में मुझे 5b लाना है तो उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ और 4 में और 4 के साथ एडिशन कर दूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन 3। सो नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 एंड फोर्थ एज इट इज ही रखना है। दैट्स व्हाई आई कैन राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1। सो मैं अगर थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 5 25a प्लस 5b इक्वल टू 2 5 जा 10 एंड लास्ट फोर्थ वन है वो एज इट इज रहेगा 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2। नाउ इसको मैं 5 बोलता हूँ और इसको 6। नाउ 5 एंड 6 को ऐड कर दो। सो लेट अस ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। सो मैंने ऐड किया तो ऐड करने के लिए क्या होगा, सो फर्स्ट a 25a प्लस 15a फिर प्लस 5b माइनस 5b इक्वल टू 10 माइनस 2। सो यहाँ पे होगा 40a, ये 5b माइनस 5b दैट इज 0 इक्वल टू 8। सो 40a इक्वल 8, सो a इक्वल टू 8 बाय 40 दैट इज 1/5। a हमको मिल गया, a क्या मिला 1/5। अब a की वैल्यू इक्वेशन 6 में रख देते हैं तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। सो क्या करना है, पुट a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 6, 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2। ए की वैल्यू मैंने 1/5 रखी दैट इज 5 3 जा 15 माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2। सो क्या मिला, 3 माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5b माइनस इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। सो माइनस 5b इक्वल टू माइनस 5, सो b इक्वल टू 1। सो मुझे a एंड b की वैल्यू मिली, a इक्वल टू 1/5 मिली एंड b इक्वल टू 1 मिली। सो अब मुझे क्या करना है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए लिया था एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी लिया था, तो मैंने ए एंड बी की वैल्यू रख दी तो क्या हुआ, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 हुआ एंड दूसरे तरफ 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 हुआ। सो मुझे दो इक्वेशन फिर से मिले, क्या मिले, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। जो दो इक्वेशन मिले हमें तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो फिर से मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा। सो इक्वेशन 7 एंड 8 को ऐड करता हूँ। सो एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, सो आई गेट x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 5 प्लस 1। सो 2x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 बाय 2, सो x इक्वल टू 3। पहली मुझे ये वैल्यू मिली। अब x इक्वल टू 3 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 8 में रखता हूँ। सो सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 8। हमारा इक्वेशन नंबर 8 था एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, सो वाई इक्वल टू ये हमारा वाई। सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ, y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। सो हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मिला क्या मिला, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। आप इस तरह से डिनोमिनेटर को गैस करके ये एग्जांपल कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 3, 10/2x प्लस वाई प्लस 3/2x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 15/2x प्लस वाई प्लस 9/2x माइनस वाई इक्वल टू 6। जैसे कि मैंने बताया था डिनोमीटर हमको 1/2x प्लस वाई इक्वल टू ए लेना है एंड 1/2x माइनस वाई इक्वल टू बी लेना है, तो मैंने ले लिया है टेकिंग 1/2x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1/2x माइनस वाई इक्वल टू बी
इन बोथ इक्वेशन. सो हमको क्या मिलेंगे नए इक्वेशंस, सो 10a प्लस 3b इक्वल टू 3 एंड 15a प्लस 9b इक्वल टू 6. अब ये जो है वो मैं तीसरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करूंगा. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करना है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सो 3 मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ा, तो क्या मिला 10a प्लस 3b माइनस 3 इक्वल टू 0. सेम वे 15a प्लस 9b माइनस 6 इक्वल टू 0. अब दूसरा स्टेप क्या है, मुझे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करना है. सो मैंने फाइंड किया है a1 इक्वल टू 10, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 3, a2 इक्वल टू 15, b2 इक्वल टू 9 एंड c2 इक्वल टू माइनस 6. स्टेप नंबर 3 क्या है, मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है, किस टाइप का सॉल्यूशन मिलने वाला है. सो तीसरे स्टेप में मैंने फाइंड किया a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2. सो a1 अपन a2 मुझे मिला 10 बाई 15 दैट इज 2 बाय 3, b1 अपन b2 3 बाय 9 दैट इज 1 बाय 3. यहाँ से ही पता चल गया कि a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2. तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कौन कैसा सॉल्यूशन होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करनी है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, a एंड b है, x और y की जगह हमने कन्वर्ट करके ले लिया है a एंड b. तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जाएंगे, तो जहाँ पे हम x एंड y लिखते थे उसकी जगह मुझे a एंड b लिखना है. सो लेट अस सी. सो a है, सो हमको a के जो कोएफिशिएंट है वो हाइड करने पड़ेंगे, तो मुझे मिलेगा क्या 39 माइनस 36. सेम b के मुझे हाइड करने पड़ेंगे, हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं, तो फर्स्ट माइनस 3 माइनस 6 एंड 10 15 एंड 1 अपन 10 15 39. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, सो a के डिवाइड में क्या करूँगा, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 9 इंटू माइनस 3 इक्वल टू b अपन माइनस 3 इंटू 15 माइनस माइनस 6 इंटू 10 इक्वल टू 1 अपन 10 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा a अपन माइनस 18 प्लस 27, b अपन माइनस 45 प्लस 60 एंड 1 अपन 90 माइनस 45, दैट इज a अपन 9 इक्वल टू b अपन 15 इक्वल टू 1 अपन 45. अब कंपेयर करना है, दैट इज a अपन 9 इक्वल टू 1 अपन 45 एंड b अपन 15 इक्वल टू 1 अपन 45. सो हमको a एंड b की वैल्यू मिलेगी, देखिए a अपन 9 इक्वल टू 1 अपन 45, दैट इज a इक्वल टू 9 बाय 45, दैट इज a इक्वल टू 1 अपन 5. सेम वे b अपन 15 प्लस 1 अपन 45 इक्वल टू 1 अपन 45, सो b इक्वल टू 15 अपन 45, दैट इज b इक्वल टू 1 बाय 3. यहाँ पे a एंड b की वैल्यू मिल गई. अब a एंड b की वैल्यू जो हमने पहले लिया था इसमें रखनी, सब्सटीट्यूट करनी है, दैट इज 1 अपन 2x प्लस 5 इक्वल टू a लिया था एंड 1 अपन 2x माइनस y इक्वल टू b लिया था. इसमें हम a एंड b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो a एंड b की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मुझे ऐसा मिलेगा 1 अपन 2x प्लस y इक्वल टू 1 बाय 5 एंड 1 अपन 2x माइनस y इक्वल टू 1 बाय 3. Therefore we get 2x plus y equal to 5 and 2x minus y equal to 3. ये हमारा equation number 5 and equation number 6 हुआ. Last example में भी हमने किया था कि यहाँ पे फिर से मुझे दो equation मिले, तो मैं कोई भी method से x and y की value find कर सकता हूँ. So मैं यहाँ पे elimination method apply करूँगा. So 2x plus y equal to 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, मुझे 5 एंड 6 मिला. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो प्लस y एंड माइनस y है, तो इस ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ. सो एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो क्या मिला 2x प्लस 2x दैट इज 4x, y माइनस y 0 इक्वल टू 5 प्लस 3 8. सो x इक्वल टू मुझे मिला 8 बाय 4, सो x इक्वल टू 2. अब x इक्वल टू 2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 6 में रखता हूँ, दैट इज 2x माइनस y इक्वल टू 3 में मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ, तो क्या मिलती है 2x माइनस y इक्वल टू 3. सो x इक्वल टू 2 रखा, तो 2 इंटू 2 माइनस y इक्वल टू 3, सो 4 माइनस y इक्वल टू 3, सो माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट इज माइनस y इक्वल टू माइनस 1, सो y इक्वल टू 1.
सो ये मुझे एक्स एंड वाई, सो हमारी जो लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू वन। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस में आपको कन्वर्ट करना है तो आप तीनों को तीनों मेथड से आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हर एक एग्जांपल में मैंने एक मेथड ली है, सो आप कोई भी मेथड से जा सकते हो। सिर्फ आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो ही क्लियर करना है कि जो डिनोमिनेटर दिया है उसके बराबर ए, और जो वाई का डिनोमिनेटर दैट मीन्स के बी वन के साथ वाला जो डिनोमिनेटर दिया है उसको बी लेकर आपको कन्वर्ट करके ये एग्जाम्पल करने हैं। यहाँ पे हमारे स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। होप असाइनमेंट्स में दिए गए एग्जाम्पल आप कर सकते हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।